पैट्रियन और अन्य माध्यमों से नेशनल दस्तक का सहयोग करने वाले सभी दर्शकों का बहुत बहुत शुक्रिया। आपके सहयोग से ही बहुजन मीडिया को नई ऊंचाई मिल रही है और मनोबल और अधिक बढ़ रहा है। आशा है आगे भी आप हमें ऐसे ही सपोर्ट करते रहेंगे, धन्यवाद। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देशवासियों से आत्मनिर्भर भारत बनने की बात कही। उन्होंने कहा था कि इस कठिन परिस्थितियों में देश को कुछ सीखने की जरूरत है। कुछ लोगों ने इस राह पर चलते हुए विदेशी सामानों, खासकर एक खास देश की वस्तुओं का बहिष्कार करना शुरू कर दिया था, लेकिन भारत सरकार ने आत्मनिर्भर भारत बनने के बीच एक ऐसा फैसला लिया जिससे लोगों को हैरानी हो सकती है। केंद्र सरकार ने दिल्ली मेरठ हाई स्पीड कॉरिडोर बनाने का ठेका विदेशी चीनी कंपनी को दे दिया है। सरकार का फैसला ऐसे समय में आया है जब सरकार आत्मनिर्भर भारत बनने की बातें कर रही है और चीन भारत सीमा पर विवाद भी देखने को मिल रहा है। केंद्र सरकार के इस फैसले पर विपक्षी पार्टी कांग्रेस ने निशाना साधा है। इसके अलावा स्वदेशी जागरण मंच SJM ने भी इस ठेके को तुरंत रद्द करने की मांग की है। आपको बता दें कि दिल्ली मेरठ रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम RRTS प्रोजेक्ट के अंडरग्राउंड स्ट्रेच बनाने के लिए सबसे कम 1126 करोड़ रुपए की बोली एक चीनी कंपनी संघाई टनल इंजीनियरिंग कंपनी लिमिटेड STEC ने लगाई है। ऐसे समय में जब सीमा पर चीन से तनाव की स्थिति बनी हुई है और देश में भी उसके खिलाफ माहौल बना हुआ है, इस दौरान रेल कॉरिडोर बनाने का ठेका चीनी कंपनी को देना काफी हैरान करने वाला लगता है। विपक्षी पार्टी कांग्रेस ने इस डील पर आपत्ति जताई है तो वहीं दूसरी ओर BJP की ही मात्र संगठन राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ से जुड़े स्वदेशी जागरण मंच SJM ने भी नरेंद्र मोदी सरकार से इस बोली को रद्द करने की मांग की है कि इसे रद्द करते हुए ठेके को किसी भारतीय कंपनी को दिया जाए। मंच ने कहा कि यदि सरकार के आत्मनिर्भर भारत अभियान को सफल बनाना है तो ऐसी महत्वपूर्ण परियोजनाओं में चीनी कंपनी को शामिल होने का अधिकार ही नहीं देना चाहिए। मामले में स्वदेशी जागरण मंच के राष्ट्रीय सह संयोजक अश्वनी महाजन ने सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी से मांग की है कि इस ठेके को तत्काल रद्द किया जाए। दरअसल SJM यह चाहता है कि महत्वपूर्ण परियोजनाओं में सिर्फ भारतीय कंपनी को ही मौका मिले। बीते 12 जून को बोली की प्रक्रिया में चीन की कंपनी ने सबसे कम रकम में दिल्ली मेरठ कॉरिडोर बनाने की बोली लगाई। दिल्ली मेरठ RRTS कॉरिडोर में न्यू अशोक नगर से साहिबाबाद के बीच 5.6 किलोमीटर तक अंडरग्राउंड सेक्शन का निर्माण होना है। कुल 5 कंपनियों ने बोली लगाई थी जिसमें भारतीय कंपनी लार्सन एंड ट्रूबो LNT और टाटा समेत और भी कंपनी शामिल थी। नमस्कार, नेशनल दस्तक अपनी आर्थिक जरूरतों को पूरा करने के लिए अपनी ऑडियंस पर निर्भर है। बहुजन समाज से संबंधित मुद्दों को उठाने के कारण YouTube की तरफ से नेशनल दस्तक की कई वीडियो पर एड्स नहीं दी जाती, जिसके कारण हमें आर्थिक समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। आपका एक छोटा सा कदम बहुजन मीडिया को बचा सकता है। आपके सहयोग और सहायता के कारण ही हमने अभी तक यह मुकाम हासिल किया है। नेशनल दस्तक को आप पैट्रियन के जरिए सपोर्ट कर सकते हैं। इसके साथ ही आप अन्य माध्यमों जैसे UPI, गूगल पे, डेबिट कार्ड, वॉलेट, फोन पे आदि से भी हमारी मदद कर सकते हैं, जिसका लिंक वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दिया गया है। पैट्रियन पर आप हमें प्रतिमाह $2 यानी ₹140 प्रतिमाह से हमारे साथ जुड़ सकते हैं। दूसरे माध्यमों में राशि की कोई सीमा नहीं है। आपके सहयोग से ही बहुजन मीडिया को एक नई दिशा मिली है और इसे अभी एक नए मुकाम तक लेकर जाना बाकी है, जो आपके साथ के बिना संभव नहीं है। आपसे डायरेक्ट फंडिंग से हम आपके अधीन हो जाएंगे और एक स्वतंत्र मीडिया के तौर पर समाज की आवाज को बुलंद कर पाएंगे, धन्यवाद। नेशनल दस्तक को देखने वालों से अपील है कि वह नेशनल दस्तक के सपोर्टर फॉर्म को भरें ताकि हम सीधे आपसे जुड़ सके। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।